गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर विराजे विघ्नहर्ता अब अनंत चतुर्दशी पर विदाई ले रहे हैं। इस दौरान भक्तों ने बप्पा की दिन रात सेवा कर पूजन किया। आज जब भगवान विदा ले रहे हैं तो उनके भक्तों की आंखें नम हैं। विदा ले रहे तो उनके भक्तों की आंखें भी नम हो ही गईं। रास्ते भर तो नाचते गाते चल रहे हैं, लेकिन भगवान का जल विसर्जन करते ही उनकी आंखें भर आ रही हैं। बप्पा के कानों में अपनी मनोकामना भी भक्त कह रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं को गणपति बप्पा मोरिया, जय गजानन जय विघ्नहर्ता, अगले बरस तो जल्दी आना के जयकारों के बीच विदाई दी जा रही है। ढोल नगाड़ों व डीजे की धुन पर थिरकते युवा उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं को गंगा घाट और नहरों के किनारे बनाए गए कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया जा रहा है। कल्याणपुर, अरमरापुर, पनकी, गोविंदनगर, बर्रा, रतनलाल नगर, ग्वालटोली, पी रोड, हर्षनगर और रामबाग आदि इलाकों में विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। जी हां, आपको बता दें, शहर में इस बार कोविड काल के 2 साल बाद बड़ी संख्या में गणपति बप्पा स्थापित किए गए थे। कानपुर में करीब 4000 स्थानों पर आयोजन किए गए। 3 दिन बाद से ही लगातार विसर्जन का दौर जारी है। आज 7वें दिन बड़ी संख्या में लोग भंडारा के बाद गणपति विसर्जन करने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।